शुक्र है रोशनी में पहुंच गए हैं जी हम। ये आपको बाहर भी देख रहे हैं, गोबर नजर आ रहा है बहुत सारा आ रहा है ना। हाँ गंदगी गंदगी जी। ये देखें जी, ये पूरा इनका फार्म हाउस कह लें, बाड़ा कह लें, ये जगह है जी। काफी बड़ी जगह है, काफी बड़ी है। और टूटा हुआ है। कमरे में जाएं कैसे? अंदर तो गाड़ी नहीं लगा सकते, बाहर लगा दें। जी जी बाहर ही लगानी पड़ेगी। लेफ्ट पास आबादी नहीं है सुहेल भाई, वो कोई राहगीर जा रहे हैं एक दो। बाकी मगरिब के टाइम पे ना कोई रौनक, ना कोई शोर, ना कोई सवारी, देख रहे हैं सब। मुझे ऐसा लगता है कि सर अभी बनी है सोसाइटी, हम शायद बन रही है, बन रही है अभी, अभी भी शायद जी, आगे भी नजर आ रही है। जैसे बहुत सारी सोसाइटीज हैं जी बाईपास पे, उनमें से एक है जिसकी शुरुआत हुई है शायद, क्योंकि कोई भी एक पेंट वाला मुझे मकान नहीं नजर आ रहा, प्लास्टर वाले नजर आ रहे हैं सारे। वो देखे सर, ये डेढ़ एकड़ जी 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 चले चले अल्लाह खैर। ये भी आप नीचे भाई पूछ रहे हैं, चलें साथ भाई, देख लीजिए तबीयत ठीक है ना आपकी? मैंने सेट है, सेट है, कुछ भी नहीं है, सेट है बिल्कुल, सेट है माशाल्लाह यार। कैसे कैसे लॉक मिलते हैं हमें यार, वैसे बांधा हुआ है इतनी बड़ी जगह। बताओ। ओए होए यार, एक भी नहीं बचा भाई इधर से यार। वो यही शिकायत करते हैं कि मर रहे हैं, डर रहे हैं बेचारे, शोर शराबा कर रहे हैं, अभी तो एक भी नहीं है यार। लाहौल वाला कुवत अल्लाह की आवाज़ है, अभी आवाज़ है ना? नहीं है दादा, हैं तो सही। वो देखें फासले फासले से, वो जैसे आप बता रहे थे ना, अभी अंडर कंस्ट्रक्शन है, पहले गधा भौंक हांका, अभी कुत्ते भौंक रहे हैं। फुल मून है वाकई दादा, फुल मून है। भाईजान पानी भी है इसमें, खाने का बर्तन भी है, गोबर ताजे हैं। जैसे हमारे साथ बहुत पहले बाड़े में हुआ था सुहेल भाई, याद है कि जहाँ आते ही जानवर मर जाते थे। कहीं और ले जाएं आप उनको, कहीं ले जाएं, चाहे मौसम ऊंच नीच हो, कुछ नहीं होगा, उस जगह आते ही मर जाते हैं। डॉक्टर्स को बुलवाया, उनको समझ नहीं आया, उन्होंने कहा जी हार्ट अटैक से मरे हैं जानवर। जानवरों को भी हार्ट अटैक आता है, ऑफ आता है ना, ऑफ से मरते हैं, दिल दिल तोते मर जाते हैं यार। अचानक कोई ऐसी मतलब मखलूक सामने आ जाएगी, वो डर जाएंगे। अच्छा, हमने बड़ी कोशिश की कि कोई सांप ने काटा हो, कोई जहर कुछ होता है ना, कोई वजह होती है सांप उसके मरने की, जानवर कोई वजह नहीं थी, भैंसे थी, अल्लाह माफ करे, दो दिन में ही ये हटा तो नहीं दी सर, अल्लाह करे यार, अल्लाह करे हटा दिया हो, अल्लाह करे शिफ्ट कर दिया हो यहाँ से, क्योंकि दो दिन में इकट्ठी इतनी सारी भैंसे तो नहीं। नहीं सुन लो, लेकिन मुझे फील आ रही है। अच्छा। जिस तरह से परेशानी से वो बुला रहे थे ना, एकदम शोर मच जाता है, चीखो पुकार हो जाती है जानवरों की, हम देख रहे होते हैं, हमें कुछ नजर नहीं आ रहा होता, बहुत घबराहट में होंगे। अलग बच्चों के लिए शायद, छोटे बच्चों के लिए। पता नहीं मुझे ऐसी फील आ रही है सुहेल भाई, जो हम सोच रहे हैं ना कि शिफ्ट कर दिया होगा यहाँ से, ऐसा कुछ लग नहीं रहा। दो दिन में इतना बुरा हाल हो गया निशान है, लेकिन थर्मास रखा हुआ है, लेकिन टी बैग के भी निशान नहीं है। मैन की आदत है। वैसे यार कहते हैं सफाई जो होती है ना, वो सफाई होनी चाहिए। बिल्कुल ये हम यकीन करें, मैंने देखा है यार ऐसे लोगों को जो चीज़ों को हटा हटा के पीछे पीछे से सफाइयां करवाते हैं, और लोग पता है उनको क्या कहते हैं, यार वहाँ कौन देख रहा है? अरे भाई आप तो देख रहे हैं, सफाई निस्फ ईमान है, सफाई से मुराद सफाई।
तो इसको क्या हम सफाई कहेंगे? नहीं यार, वही वही यार, बंद किया था दो दिन में, यह हाल नहीं होना चाहिए, ये हाल नहीं होना चाहिए। सही सही बात हो गई ना यार, अगर दो दिन पहले भी तो सफाई तो देखे, सफाई में तो चीज ही नहीं है यार। ऐसी जगहों पर हम गए, हमने अपनी आंखों से देखा है कि गुलिस्तान जौहर में मालिक रहते थे और उनके जानवर जो है ना वहाँ ठीक रहते थे, और जब बाड़े पे लाते थे तो वो खड़े खड़े मौत वाक़ हमने कैमरे लगाए थे जानवरों के ऊपर, याद है आपको? और जानवरों ने जंपे मारी थी रात को, खौफ के मारे हमारी आंखों के सामने। किसको देख कर मारी थी, क्यों मारी थी, किसको देख कर उनका हार्ट अटैक हो गया जानवरों का, ये सिर्फ इंसानों में नहीं होता जी। डॉक्टर्स, वेटरनरी डॉक्टर्स जानते हैं कि कई बड़े जानवर भी हार्ट अटैक से मर जाते हैं, गाय भैंसे बकरे ये सब, तो यार हार्ट अटैक से उनकी मौत वाकई हो रही है। तो देखते हैं ना इसी चीज को, वो असल शक्ल असल हैबत में आती है उनके सामने, जब हमारे बारे में ये कहा गया है कि आप खुदा ना खास्ता अगर ये मखलूक आपके सामने आ गई अपनी असल हालत में, तो देखने वाले बताते हैं जो साहिब इल्म लोग हैं कि 10 साल तक सो नहीं सकोगे, 10 साल तक आप सो नहीं सकेंगे, मतलब आप अंदाजा लगा लें कि क्या हैबत होगी, क्या खौफ होगा। असल शक्ल और असल शक्ल जिन्होंने देखी है, जो मैंने पढ़ा है कि वो मुख्तलिफ जानवरों की किस्में होती है, उनकी हाइट अलग होती है, उनके जिस्म की जुड़े होते हैं, जो हम मूवीज में ऐसे देखते हैं वो तो एक आपकी बनाई हुई है, जो ओरिजिनल आप अपनी आंखों से देख लेना, तो 10 साल तक सो नहीं सकेंगे। सोचें जानवरों का जब हार्ट अटैक हो गया तो हमारा क्या होगा। हमारे तजर्बे में ये बात रही है कि जो जगह हमने खाली महसूस की है ना, बिल्कुल या कुछ नहीं महसूस किया, जहाँ वहाँ हमें लग पता गया है। सर यहाँ पर पता नहीं कोई ऐसे भूत वगैरह पता नहीं क्या है जो जानवर को दबा लेता है, उनकी गर्दन पकड़ लेता है, या नड़ियाँ जो सुनने में आती है, हम सोते हैं तो हमें भी तो आवाज़ खौफनाक आवाज़ें आती हैं यहाँ पर, पता नहीं क्या है, भूत वगैरह दिखाई तो नहीं देता, वो जब उठते हैं तो कोई भी नहीं है, जानवर मरा पड़ा हुआ है। अल्लाह, मैं कह रहा था ना आपसे, ये मसला तो नहीं है सोल पे? नहीं सर, ये तो कुछ अलग ही लगता है, वो तो कुछ निशानात भी थे जानवरों पे। नहीं, जैसे वो बता रहे थे वहाँ पर हार्ट अटैक आ जाता था जानवरों को, ये हो सकता है। मैं आपसे क्या कह रहा था कि मुझे अच्छी फील नहीं आ रही, आप लोग कह रहे थे यहाँ से उनको मुंतकिल किया गया, जानवरों को शिफ्ट किया गया, शिफ्ट नहीं किया गया, अल्लाह माफ़ करे, वो सारे एक्सपायर हो गए हैं। तो चौकीदार के अंदर सोते थे? हाँ, ये अंदर कमरा है ना, वहीं पर सोते थे वो। दिन में तो वैसे बंद रहता था, रात को सिर्फ चौकीदारी के लिए आता था वो। आ गई आवाज आ रही है? यार ये कैसे को, मतलब ये हमें फॉलो करती है या क्या होता है ये? तो ये क्या, अभी इधर आसपास आबादी नहीं है ज्यादा? नहीं नहीं, दूर दूर आबादी है। अब देखो ना, अजान बीच में मिली थी, इतनी दूर से मस्जिद है, वहाँ की आवाज़ आप सुनी होगी आपने अजान की, तो यहाँ पर कोई करीब आबादी नहीं है, सिर्फ ज्यादा आए जो बाड़े हैं। तो लोगों ने क्या कहा, मतलब क्या भूत का नाम दे रहे हैं उसको, क्या नाम दे रहे हैं उस मखलूक? कह तो रहे हैं ये तो भूत ही हो सकता है। यहाँ को अगर आप सोओगे ना, कम से कम आधी रात तक आप ऐसी आवाज सुनोगे, यहाँ को आपको गला दबा देगा।
या तो आपके सोएगा इसके चादर खींच देगा, या आपको ऐसे चारपाई में सोओगे तो चारपाई खींच लेगा। तो दुश्मन बने हुए जानवरों के भी इंसानों के भी। अच्छा, ये पहले नहीं था? नहीं नहीं, पहले नहीं था। जी तो ऐसा क्या हुआ जिसके बाद से सब होना शुरू हुआ है? अब ये पता नहीं क्या मसला है, अब जो तो अल्लाह को पता है। अभी दो बातें नजर आती हैं इसके। एक तो तबाह विवाद हो जाता है पूरा कारोबार घर बार नजर बद से, क्योंकि बहुत अच्छा चल रहा है बकौल इनके। और एक तो बद अमलियात भी तो है, वो जेलेसी भी तो है लोगों की, या नजर लग गई है। गला दबाना जो है ना, ये समझ नहीं आया, ये नजर बद में नहीं आता गला दबाना। मैं वही कह रहा हूँ, किसी चीज को भेजा गया होगा ना, ताकि हाँ, चीजें हर मुकम्मल तौर पर बर्बाद करे ना। ये नजर बद को मतलब आप जादू का नाम देना चाह रहे हैं? जादू का कोई होता है या कोई ऐसी चीज इसमें आ गई है वाड़े में जो नजर नहीं आती, जो अदरात तो निकलती है। अच्छा, अल्लाह माफ करे, वैसे मैं पहले तो नहीं मानता था इन बातों को, लेकिन बड़ी ऑथेंटिक सोर्स से मुझे पता चला कि आपका एक कारोबार है। अगर आपसे मिलता जुलता कारोबार कोई पड़ोस में करता है, कहीं करीब करता है ना, कंपटीशन में आपके आता है, तो कहते हैं यार कुछ ऐसा फेंक देते हैं वहाँ पे, कुछ ऐसा कर देते हैं कि वो जो है ना नुकसान उठा लेते हैं, बंद कर जाते हैं। मैंने सुना है, बड़ी ऑथेंटिक सोर्स से सुना है, मैंने ये देखा है। और वो जो जिनको देखा है ना, वो सिर्फ फ्राइज वाले हैं, आपस में साथ साथ है ना, एक प्राइस वाले के कारोबार को बर्बाद होते हुए देखा, बीमार होते हुए देखा। मैंने उससे पूछा कि आपको क्या हुआ, कहने लगा जेलेसी में मेरे पे कुछ करवाया क्या। लेकिन मैं आपको बता दूं, हमने 31 केस तो देख लिए हैं ऐसे जिसमें करने वालों ने ज़्यादा नुकसान उठाया है, उनको लगता है वक्ती तौर पर फ़ायदा पहुँच रहा है, उनको अक्ल है ना, दिमाग कि जी हम दुनिया में वक्ती तौर पर फ़ायदा ले लेंगे। बाद में उनको मैंने ज़्यादा नुकसान में देखा, और जिन पर किया गया वो कर्म हो गया, उन पर बचत हो गई, वक्ती होता है। लेकिन करने वालों को ये अंदाज़ा नहीं कि अगले से ज़्यादा वो अपना नुकसान कर रहे होते हैं, यहाँ पर भी और वहाँ पर भी। तो ज़ाहिरन तो जी कुछ ऐसी बात यहाँ नज़र नहीं आ रही कि शुरू से कोई मसला हो। ये बता रहे हैं बड़ा अच्छा काम चल रहा था, 50-60 जानवर दूध का काम बड़ा अच्छा जा रहा था, अचानक जो है ना जानवर मरना शुरू हो गए, परिंदे। और चलो यहाँ तक तो एक बात आती है, बीमारी हो सकती है, कोई इन्फेक्शन हो सकता है, कुछ ऐसी बीमारी इन्फेक्शन भी सामने आई हैं जिसका अभी तक पता नहीं है साइंस को, डॉक्टर्स को ना। लेकिन ये गला दबाने वाला कौन सा इन्फेक्शन है, ये एक सवाल उठा रहा था भाई। और दूसरा बात ये है कि आपकी बात एक जगह पे बहुत अच्छी मेरे को लगी कि जानवरों के हार्ट फेल भी हो जाते हैं ना। बिल्कुल हो जाते। तो ये बात, वो जो आवाज जो है बकौल इसकी, कोई कमजोर दिल नहीं सुन सकता, तो जानवर भी तो है ना। बिल्कुल 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 बिल्कुल, मतलब ये आप बात आप कैसे कह रहे हो? अब देखा जाए ना, कुछ जानवर ऐसे होते हैं जो इंसान नहीं दे सकता। तो एक बात जहन में आ रही है, ये जो गोबर वगैरह है, ये इन चीज़ों की गजा होती है, तो क्या जंगल आसपास है तो कोई मखरूब तो इस तरह से बसेरा तो नहीं करने आ रहा? यार आसपास भी बता रहे हैं कई हैं, वहाँ कोई ऐसा मसला नहीं है, इधर ही है सिर्फ। और जो आप कह रहे हो इतने यकीन से कि वो आवाज़ कमज़ोर बंदा बर्दाश्त नहीं कर सकता, तो किसने सुनी है वो आवाज़? जो सोते थे ना चौकीदार, हाँ उसने आवाज़ सुनी थी। अच्छा, जैसे जानवरों में भी आवाज़ आ रही थी, तो जानवर अचानक लड़िया करते हैं ना, तो लड़िया करते हैं, तो जो चौकीदार होता है, जो ग्वाला होता है, वो निकलता है बाहर। और क्या हुआ, जब लाइट चला के देखता है तो कुछ भी नहीं है, फिर सोता है, सोने के बाद उसको दोबारा भी ऐसे आवाज़ देती है, आवाज़ आती है वो। अच्छा, खोफनाक आवाज़। तो वो भाग गए वो आवाज़ सुन के? हाँ, के रात के चौकीदार इस जंगल में यकीनन वो दिल के मजबूत होंगे बहुत, करते रहे होंगे काम, वो जी छोड़ के भाग गए काम यहाँ से, ये कह के किसी ने चादर खींची, चारपाई खींची और बाकायदा उनका गला दबाया गया, जो शिकायत थी हमें। आपकी बात काट रहा हूँ, गवाले होते हैं 5-6-7 ही, ठीक है, जो चुवाई वगैरह करते हैं ना, दूध वगैरह की। हाँ, तो इसका मतलब ये बोलने का कि सब जानवर मतलब कट्ठे ही बांधे हुए थे, लाइन से बांधे हुए थे, सही, ये सब समझो आपस में उछलने लगे, मतलब डर गए, शोर करने लगे, ठीक है। तो इस वजह से समझो गवाला आके देखने लगा, ठीक है। तो इस वजह से गवाले का गला किसी ने दबाया इस जगह पर, यहाँ दबाया या सोते हुए दबाया? नहीं, सोते हुए सो जाता है ना, तो अगर पता नहीं ऐसे कोई होता है, कोई शरारती करे, जो जिन वगैरह कोई होता है शरारती करते हैं ना, कोई जानवर घुस गया दबाया या ऐसी आवाज़ निकाली, समझ नहीं आ रही। जब जो यार सोता है वो गवाला चौकीदार भी है, तो अगर सोता है उसकी आवाज़ सुननी आती है तो वो फिर बाहर निकलता है, वो जैसे बाहर निकलता है तो है कोई नहीं। अगर ज़मीन पर जानवर उछल रहे हैं तो कोई चीज़ ज़मीन पर रेंग रही है, क्योंकि वो उछलते हैं उसको मारने के लिए, दबाने के लिए, कोई तो चीज़ है यहाँ पे रिंगने वाली, कोई आपने चीज़ ऐसी तो नहीं देखी? ये क्या हुआ है, ये तोड़ फोड़ क्या है?
ये सभी इसी वजह से हुई है ना के? ये देखो ये सब बुला के फेंकते हैं, मतलब सब तोड़ फोड़ दिया। अबे क्या नाम है चौकीदार, बीच में बाहर निकल, चौकीदार ने बताया था कि मैं आधी रात को बाहर निकला तो ऐसे पत्थर जैसे ऊपर जो है ना पत्थर घूम रहा है वो, यानी किसी के ऊपर रख रहा है, सर के ऊपर रख रहा है और नीचे जमीन पर फेंका है उसने। किसी ने पत्थर हवा से फेंके हैं, मैंने जैसे पत्थर उठाते हैं ना तो चेहरा तो नजर नहीं आता, सिर्फ पत्थर नजर आ रहा है और पत्थर वही नीचे जमीन में देखा। ये पत्थर नहीं, दो तीन जो आगे देखो ना टूटे फूटे में सब वही है, ये हवा में देखे हैं उसने। उसने जैसे कोई बंदा उठाता है हाँ। तो बंदा तो नजर नहीं आ रहा था, पता नहीं भूत चिन्ह वगैरह है, सिर्फ पत्थर नजर आ रहा था, पत्थर ऐसे फेंक दिया जमीन के अंदर। ये वाले वो जो आगे टूटे ना सब टूटे हुए सब, जैसे ये टूटा हुआ जैसे आगे वो टूटे हुए, ये तो टूटा हुआ कन्फर्म। अचानक जब आवाज आती है ना तो वो खौफ की वजह से। ये वाला कमरा था, ये वाला कमरा था, दिखाएंगे ये अभी तक सामान रखा हुआ यहाँ पे, थर्मस गिलास वगैरह ये भी नहीं लेके गए हैं? नहीं नहीं, ये जो भी आते चाय वगैरह घूम होता है ना तो थर्मस अभी से यही पड़ा रहता है तो यहाँ पर सोता रहता था। ये तो बड़ा चारपाई है सोते। कहते रहता था वो उछलते है, वो बंदा कहता रहता जानवर उछलते रात में, एक वजह हो सकती है लेकिन सजा नहीं। लेकिन बात यह ठीक है, जानवरों को सांप ने काटा, उन परिंदों को वो तो खाएगा ना, काटेगा तो नहीं ना सांप, परिंदों को तो निगल लेगा ना, छोटे परिंदों को तोतों को तो वो निगला तो किसी को नहीं, वो तो उनकी बॉडियां पड़ी हुई मिलती थी, क्या पता पिंजरे छोटे उसमें सांप जा ना पाता जा सकते थे तो। यार आप लोग सुन रहे हो नहीं सुन रहे हो पता नहीं, मुझे मुस्तकिल आवाजें आ रही है, माहौल देख रहे हो, ये गुंजान आबाद इलाका है भाई, आसपास आबादी है, मकानात देख लें आप सारे, उसमें कोई एक आवाज आ रही है आपको? थोड़ी देर बाद उधर ही चला गया वो, हम उसके पीछे जा रहे हैं, यहाँ एक बिल्ला बैठा होता है ठीक हाँ। वो हमारे सामने इस डब्बे के पीछे कोई सुराख कोई जगह कोई ऐसी तो नहीं है, और हम वहां जाते हैं तो वो वहां नहीं होता। नहीं आ रही है बकरे की आवाज दोबारा, आ रही है ना, ये वही लग रहा है मुझे। अच्छा ओए बचना कामरान भाई, आसपास देखना यार, एक बात बताओ क्या ये सांप तो नहीं डस रहा उन जानवरों को? यार आपने खुद ने कहा कि डॉक्टरी तहकीक के बाद पता चला है कि उनके हार्ट बंद हुए हैं, काटा नहीं है उन्हें। और सुहेल भाई जब सांप काटता है ना तो ब्लड के क्लॉट बन जाता है और वो जो कॉज ऑफ डेथ होती है वो हार्ट फेलियर ही होती है। नहीं लेकिन निशान होते हैं, आज हमें बॉडी में निशान निशान तो बता रहे हैं नहीं है। इस सांप को देख के किसी जानवर को हार्ट अटैक तो नहीं आता? नहीं नहीं, सांप बल्कि पैरों से मारने की कोशिश करते हैं। ये गायब हुआ है भाईजान, एक लम्हे तक हमने देखा है। हाँ यहाँ तक तो मैंने भी देखा, मेरी नजर पड़ी उस बिल्ले पे, बिल्ले से मैं पीछे उसको देख रहा हूँ तो मुझे नजर नहीं आ रहा, मुझे ऐसा लगता है दोनों गायब हो गए। दोनों गायब हो गए यार, एक चीज गायब हो गई, हम वहां जाते हैं हमारा जहन पलटता है वहां पे, वो गायब हो गया, असल सांप थे यहाँ आते हैं ये गायब हो गया। अच्छा एक बात नोट की आपने, हम चारों यहाँ खड़े हैं हुँ? वो यहाँ से गुजर नहीं रहा था हाँ? वो इधर बैठा हुआ था, बैठा हुआ था यार, हम अल्लाह का शुक्र किसी को काटा नहीं हुआ यार। वो
बड़ी बचत हो गई है, नहीं तो हम पर भी वो इल्जाम आता है इसने हमारे बच्चे मार दिए, इसने हमें जख्मी कर दिया है, हमें क्या पता तुम हमारे पाँव के नीचे हो यार, चंद सेकंड और तुम गुजर नहीं रहे हो, तुम बैठे हुए हो यहाँ पे, चंद सेकंड पहले पूरी टीम गुजरी है यार, यार हमारी लाइट पे भी नहीं देखा उसने यार। अच्छा हमें क्यों नहीं देखा, हम चारों को क्यों नहीं देखा, हमारी रोशनी को क्यों नहीं देखा, वहां जान दे रहा है कुछ नजर नहीं आ रहा, ना कोई बंदा ना बंदे की जात, उधर क्यों देख रहा है वो, हमारा वेट तो नहीं कर रहा था कि हम पीछे, क्या ऐसा पॉसिबल है कि चार लोग हों, रोशनी आ रही है, साये उधर ही हैं। सजाद वो तो हीट हीट देखते हैं ना, हमें से तो हीट निकल रही है ना, वो तो इंफ्रारेड से देखते हैं ना, फिर और तो उधर क्या, कौन सी हीट है उधर, उधर कौन सी हीट है, क्या है उधर, कोई जरूरी नहीं है, कोई चले यार ये किसी बिल में चला गया होगा, मुझे सही है मान लिया, किसी बिल में चला गया, किसी खड्डे में चला गया, ये कहाँ चला गया, ये तो मैं कह रहा हूँ आपसे, मजीद क्या है, ये बिल्ली कहाँ से आ गई, मेरे सामने इसके अंदर गया है, मैंने देखा ना दादाई, वो आके बैठा कब हमें पता ही नहीं चला, सांप के चक्कर में थे सर, सांप कब आके बैठा ये नहीं पता चला, बिल्ला कब आके बैठा ये नहीं पता चला, ये मुझे कह रहे बकरों की बकरे की आवाज है, अल्लाह ने बचत कर दी भाई, ये बोले बकरी की आवाज है तो मैं तो समझ में शायद टिटरी की आवाज है, अब हमला होगा, मेरे दिल में ये चल रहा था, अल्लाह ने बचत करवा दी भाई, ये मुझे लगा कि अब कुछ हमला होने वाला है, ये हुआ है कि मेरा उस पे पांव आते आते बचा है, यकीन करें मैं बाखुदा आपसे कह रहा हूँ मैं उसके ऊपर चढ़ने वाला था, तो इसने या आपने दोनों ने कुछ चीखा है तो मुझे, क्योंकि मेरी नजर पड़ गई ना सब आपकी बातों में लगे हुए थे, लाइट पीछे गई, मैंने कहा काला सा क्या है, ये भी ऐसे लग रहे जैसे आसपास ही है, ऐसा लग रहा है कि हम तो ना वो तो पैरों पे ना वो डर लगने लगा है, मुझे 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 इनसे घबराहट हो रही है, पता है मुझे इनसे घबराहट हो रही है, मुझे भी ऐसी लग रहा है कि ये आ गया आसपास, बात ये यार ऐसा लग रहा है कोई हमें वॉच किया जा रहा है, सुहेल भाई जानवरों की शक्ल में चीजें आ रही है हमें देखने के लिए, और ये कब आ रही है कहाँ से आ रही है हमें पता ही नहीं है, पहले से बैठी हुई है यहाँ पे, एक सांप बैठा हुआ है पहले से, वो जो आएगा वो कुंडली मार के बैठा हुआ था, हाँ जैसे उसका अपना इलाका हाँ। जगह है कुंडली मार के, उधर का इशारा किया, उधर क्या है ऐसा, उस तरफ करो वॉल की तरफ क्या है, उसका वो चारे की जगह क्या है, देख के भाई ये काले वाले जहरीले होते हैं ना बहुत बहुत खतरनाक, कोबरा था क्या था ये यार, मैंने आजाद सांप जिंदगी में पहली दफा देखा, था ना शाइन शाइन चमक रहा था ना, ये कहते हैं जितनी चमकीली होती है उतनी ज्यादा जहरीली होती है, इसमें नहीं है देख चुका मैं, इस खड्डे में, इस खड्डे में इसको भी देख चुका मैं और आसपास भी देख चुका, कोई खड्डा नहीं है कि इसमें भी जा सकते हो, ये शायद हो सकता है उन मिट्टियों में घुसे, क्या है लोहे की कोई चीज दिख रही है क्या, लगे हुए सजात अंदर, ये कुछ चीज है ये उन्होंने वो बनाई हुई है, कहते हैं ये मट्टी ऐसी बनी हुई है और सीमेंट बना हुआ है, इधर कुछ है नहीं, कुछ नहीं है, अल्लाह तो साफ है बिल्कुल यार, साफ है साफ है, जा रहे की जगह थी, अजीब मामला, अजीब मामला आते हैं इधर यार, आखिर हुआ क्या है, असल में हमें बहुत ज़्यादा अंधेरे की जगह पे कोशिश करते हैं साथ में, हम एक जगह पे जमा हो जाते हैं जहाँ पे हम नीचे देख सकें हमारे आस पास, खुदा ना खास्ता खुदा ना खास्ता, नीचे रुकना तो खतरनाक खतरनाक है, क्योंकि कुछ समझ नहीं आ रहा नीचे कोई भी चीज कहाँ से क्या आ रही है कुछ पता ही नहीं चल रहा, तो मैं इसलिए इधर खड़ा हूँ कि जरा प्लेन जगह है, कोई आस पास सांप वाप आए तो पक्की जमीन है, थोड़ा यहाँ खड़ा हो सकता है, कुत्तों के बीच में कोई और आवाज भी है, सुन एक मिनट, हाँ बकरे की, पहले भी आपने बकरा कहा पीछे सांप निकला, चोट लग रहा है इतनी खतरनाक खौफनाक आवाज है, ये तो चुप हो जाए यार, इसके पीछे क्या है कामरान, आबादी है शायद भाई।
इसके पीछे क्या है, देख क्या है, कचरा कुंडी है, खाली प्लॉट तो नहीं है, खाली प्लॉट है। दिखाओ रिकॉर्डिंग में, देखो खाली प्लॉट है, तो सामने देखो बंद है, कोई कब्रिस्तान वगैरह तो नहीं है, नहीं नहीं देखे घर, क्यों देख रहा था वो यहाँ पे। कुत्तों के बीच में कोई और आवाज भी है, सुन एक मिनट, सुन रहे हो आवाज बकरे की? पहले भी आपने बकरा कहा, पीछे सांप निकला, चोट लग रहा है, इतनी खतरनाक खौफनाक आवाज है। ये तो चुप हो जाए, यार इसके पीछे क्या है कामरान? आबादी है शायद भाई। देखो इसके पीछे क्या है, देख घर बने हुए हैं। एक सेकंड। क्या है? कचरा कुंडी है, खाली प्लॉट तो नहीं है? खाली प्लॉट है। दिखाओ रिकॉर्डिंग में, देखो खाली प्लॉट है। तो सामने देखो बंद है। कोई कब्रिस्तान वगैरह तो नहीं है? क्यों देख रहा था वो यहाँ पे? हेल्प मिली थी, दरवाजा हिल रहा था। उसी वक्त आवाज आई थी दरवाजा हिलने की, जैसे कोई गया हो या गुजरा हो यहाँ से। मैं पलट के इसको देख रहा हूँ, मैं आगे बढ़ रहा हूँ, वो भाई नीचे है यार, यहाँ पे था मेरे पाँव के पास। और अल्लाह माफ करे कभी ये गलती हमसे ना हो जाए यार, वो ये अनजाने में ही होती है। कोई पत्थर फेंक रहा है जी, वो किसी जिन के बच्चे को लग गया, जिन को लेके कोई पाँव के नीचे कोई चीज आ गई, अल्लाह माफ करे कोई सदके की चीज आ गई। बिल्कुल आपको नहीं पता होता, और कई बलाएं आप साथ ले आते हैं अपनी। अल्लाह बचाए यार, मुझे तो उसका बैठना नहीं भूल रहा, वो कुंडली मार के जिससे बैठा हुआ था ना, कब आया कब बैठा, बिल्ला कब आया कब गया। ये लोहा खुलने की आवाज आई थी ना? हाँ, अब नहीं रही, इधर से आ रही आवाज है, अजीब सी। मुझे लगता है कि मतलब किसी चीज़ का कोई ऐसी जो मैंने महसूस किया है, उस मखलूक की खुशबू सूंघती है, वो हमला करने या कुछ अटैक करने वाली होती है, तो वो फिर हमारे सर में बोल के जाती है, ये उनके रातों को भांपती है। जब ये दरवाजे से मैंने नोट किया पिछले 2-3 हफ्ते पहले के जो एपिसोड में जो होता था, हमारे साथ दरवाज़ा खुला तो उस वक्त भी ये आवाज़ आई थी। याद से नहीं, एक अरसे से हमारे साथ, मुझे तो ऐसा लगता है कि हमारे साथ तो कोई शराज भाई ने कहा है ना, चलो तो अल्लाह खैर करे, अल्लाह हो ना जाएगा। है कोई किसी ने उस बिल्ले या सांप को आते हुए देखा था? नहीं, वो तो आपने बताया ना, वो देखे तो बिल्ले में निगाह भाई, वो बैठा हुआ मैं देख रहा था। हाँ, और जैसे ही हम उसके पीछे जाने लगे वो उस तरफ गया, उस लकड़ी के डब्बे में गायब हो गया। हाँ, और जब तक उस तरफ ध्यान नहीं था हमारा, सांप की तरफ ध्यान था, हम सांप की तरफ जा रहे थे, एकदम बिल्ले की तरफ कैसे मुड़ गए सबके सब यार, सबका दिमाग ऐसे ही पलट गया, सांप बहुत ज्यादा अहम था हमारे लिए। और जब सांप के पीछे गए तो सांप को भी वजूद नहीं हुआ, और सांप हमने खुद देखा अपनी आंखों से, अपनी आंखों से आपकी आंखों से पड़ गए यार। बिल्लियाँ तो बहुत ज़्यादा हमारे पास अलग अलग रूप में रिकॉर्ड भी हैं। नहीं, मुझे एक बात ये है, अगर हम उसके करीब पहुँचेंगे सांप के पीछे, हाँ। हाँ। सुना यही है कि वो आपसे डर के भागता है, हाँ। वो आपका इंतज़ार थोड़ी करता कि आओ मेरे ऊपर चढ़ जाओ। मैं उसके यहाँ तक पहुँच गया था, वो इधर था, हाँ। और वो हमारी तरफ मुँह करके बैठा हुआ था ऐसे, जैसे हमने उसको देख लिया हम कन्फ्यूज़ हुए,
तो वो उस तरफ देखने लगा, उस तरफ निगाह चली गई राइट साइड पे अपनी। हम चारों उसके सामने खड़े हैं लाइट्स के साथ, अपनी जिस्म की गर्मी के साथ, वो उधर देख रहा है जहाँ हमें कुछ नजर नहीं आ रहा, और वो उस तरफ चला गया। सही, वो आपको तो वो जगह भी याद होगी जहाँ पर कहा था कि भाई यहाँ सैकड़ों के साथ सांप संभाल के जाइएगा, और ऐसी ही ठंड थी जी, और हम अल्लाह का नाम लेके गए तो सब बिलों के अंदर थे। यार मुझे ना दो तीन बार लोहे के दरवाजे की आवाजें आई हैं, मुझे ये नहीं पता वो ये वाला लोहे का दरवाजा है या कोई खिड़की है, इसके अलावा है ही नहीं, या मेन डोर है, मेन डोर बस। मुझे ये लगा कि पत्थर था, दरवाजा हिला और हम चारों ने सांप पीछे बैठा। कुछ देखना, कोई डंडा वंडा कोई है, पत्थर कुछ भी नहीं है। उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया उठ गया, तो ब्लैक कोबरा है ना गई। ये क्या कर रहा है सज्जाद, ये देखा है मैंने यार, ये हमला तो नहीं करेगा, ये क्या चीज है, ये आया कहां से साहब भाई? यार हम शाम को आए साहब भाई यहाँ पे, हम इसलिए सौ, मुझे लगा ये पाइप है यार, जो उससे ये हुक्के का पाइप, शीशे का पाइप है, मुझे ऐसा लगा वो तो बचत हो गई यार काला भाई। देखो, जान देखो देखो, ख्याल रखना, आवाज सुनो आवाज सुनो, कैमरा देखना, कोई डंडा कोई पत्थर देखना, वो देखो बोल रहा है। आवाज सुनी है, ऐसी आवाज सुनते थे हम, जो हम कहते थे ना सांप की फुंकार की आवाज आ रही है, ऐसी आवाज आती थी। कड़ी मत जाए यार, कड़ी मत जाए यार, इसकी जिल्द कैसी है, ये इसके गले में इसका जाना देख रहे हो, फूंक मारना देख रहे हो, ये मारने की तैयारी में है भाई, दूर से ना मैं आपको बना कर रहा हूं ना, नहीं हो सकता इसका जोड़ा भी हो, ना जाए दूर से ना मैं आपको बना कर रहा हूं ना, उसी वक्त फूंक मारी है उसने, एकदम उठाया वो जिन हो जी, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वालेकुम सलाम। यकीनन जी, आप तमाम लोग खैरियत से ठीक ठाक अच्छे होंगे, आपकी दुआओं से बेशक उस पाक ज़ात करम से यहाँ सब जगह से खैरियत है, अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। करवा दिए जाते हैं जी, करवा दिए जाते हैं ऐसे काम, सोच नहीं सकते, करना तो बहुत दूर की बात है। हमें किसी के वहमो गुमान में नहीं थी ये बात, तकरीबन आधी से ज़्यादा इन्वेस्टिगेशन में दो बार सांप के जाहिर होने के बावजूद भी यार इस ठंड में तो सांप निकलते ही नहीं है। जब हाइबरनेट हो जाते ना ये तो जी, ये आप नोट कीजिएगा, जब हम दोबारा यहाँ आए ना अंदर, तो यहाँ सुहेल भाई ने मुझसे सवाल पूछा, बड़ा मासूमाना सवाल, आप नोट कीजिएगा। अभी ये बताओ टेंपरेचर क्या होगा, ठंडा
यहाँ जिसे कहते ना बत्ती जली, यहाँ आया जहन में कि अरे ये तो हमने सोचा ही नहीं था, ये तो ख्याल ही नहीं आया था इस बात का कि यार सांप तो इस ठंड में निकलते ही नहीं है। तो ये कैसे उस ठंड में भाई साहब जो है वो बैठे हुए हैं, जा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, ऊपर से ब्लैक कोबरा, ब्लैक कोबरा पता नहीं लोग बड़ा मुश्किल का नाम भी ले रहे थे, नाम जहन में नहीं आ रहा कि खतरनाक तरीन सांप, और कई लोग कह रहे हैं इसका साया भी नहीं है, कई लोगों ने ये आप नोट किया है कि इसका साया भी नहीं, और सर्दी में आए कहाँ से, आते नहीं है, ना सिर्फ अंदर बाहर हर जगह। जहाँ सांप मैंने पहले जब आप बताए जानवर उछलते हैं तो मैंने एक जगह फिल्म में या कहीं देखा था घोड़े के पैरों में सांप आ गया था तो वो उसको मार रहा था उछल उछल के, तो जहाँ सांप की आना जाना होता था वहाँ उसके निशानात होते हैं रिंगने के ना, हमें कहीं दिखे पूरे वो भी नहीं दिखे, और किसी जानवर पर कोई बाइट मार नहीं था सांप का। डॉक्टर जो आते हैं ना सबसे पहले गाय बकरे भैंसे इनको ना वो देखते हैं कि जहरीले किसी चीज ने डसा तो नहीं है, तो उनको बड़ा एक्सपीरियंस होता है इस चीज का, उनके मुताबिक कोई जहर का मामला नहीं था, कोई चारा खराब नहीं था, कोई इस तरह का मतलब कुछ उनके मसले में नहीं आया। जिस्म नीला पड़ता है जब जहर से मरता है ना बंदा। मैं आपको ना वैसे तो सब कुछ आपके सामने ही है, एक चीज आपने देखी एसएसजी में तकरीबन सब कुछ हमने शेयर किया, जो इससे कंटेंट जो हम एक्स्ट्रा आता है वो आपको एसएसजी में दिखा दिया जाता है। आप प्रोग्राम अभी देख कर आ रहे हैं यहाँ पर, तो मैं आपको प्रोग्राम से रिलेटेड जो है वो सारी बात बताता हूँ कि क्या क्या हुआ और क्या क्या होते होते रह गया जिंदगी में। मैंने फर्स्ट टाइम आपने देखा था जब मैं स्क्रीन से देख रहा था ना तो मैं इतना खौफजदा नहीं हो रहा था, जब वो उसने सर उठाया तो मेरे जिस्म से पैर तक जुड़जुड़ी गई, बाल खड़े हो गए, मैं जगह से उछल गया, मतलब मैंने जिंदगी में आजाद सांप नहीं देखा। और अब आप बता रहे हो मतलब दुनिया का जहरीला तरीन सांप था वो जिन हो जब कुछ समझना हो गौर से तो उसको ना जरा शुरू से आप दोबारा नोट कीजिएगा पॉइंट्स को, मैं कहूंगा बड़े गौर से देखिएगा, बड़ा मजा आएगा इंशाल्लाह, बड़ा मजा आएगा, बड़ा कुछ सबूत के साथ सामने आएगा, इस पर हम भी हैरान हैं। बताते भी ना और लेमन ग्रास भी पीते रहे जी। अच्छा थैंक यू थैंक यू, यार हम लोग बना के दिए अपने हाथों से। ये ना हम इन भाई के साथ दूसरे रूम में आए थे, चार भाई वाला रूम था, चार पाया बड़ी जी जी, जी 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 बेड रूम, ये दूसरा रूम था। अच्छा इसको ना उस वक्त जब मैंने देखा ना तो मुझे ये था, मैंने कहा यार दिन में हम आए हैं यहाँ पर, शायद दिन में भी हो ये। मैं इस बात पर हैरान था कि जब इतने टाइम से जगह बंद है तो रिसेंटली कौन आया, ये ताजा किसने फेंका, मेरे जहन में था कि एक दो दिन पहले से फेंका हुआ, ये हम रात में आए इधर। अब मैं आपको दिखाता हूँ जब तुम दिन में यहाँ पर आए, ये मुमकिन है, ये देख लिया आपने, ये हम दिन में जा रहे हैं इस जगह पर, जब दिन में गए किधर है, नहीं था, किधर है, और हमारे गांव में मेन गेट से किसी की एंट्री नहीं थी, कोई नहीं, और हम में से कोई गुड़ फेंक के नीचे गिराएगा, बिल्कुल हम में से गुड़ कहां से आएगा, हम तो खाया पी नहीं रहते, हम ऐसे खौफनाक माहौल में ना, हम तो पानी नहीं पीते सर, खिड़कियां बंद हैं इसकी, छत पैक है, दरवाजा मैंने खोला है, उस वक्त कुछ भी नहीं है, ठीक, कोई जानवर भी नहीं है, हमने शाम में यहाँ देखा है कुछ नहीं है, रात में उस भाई के साथ जब अंदर आते जब वो हमें बताते हैं कि यहाँ गवाले सोते थे, ऊपर मक्खियां हमने देखी, तारों पर से चिपक जाती है, उसके नीचे ये शहर गुड़ देखा, मीठा था कुछ, मीठा था, चींटियां चिपकी हुई, सर नहीं है कुछ, नहीं है, मतलब सेम डे कुछ घंटे पहले नहीं है, कौन आया, दो ही फितरत है जो ये चीज मिला खाती है, इंसान या फिर जिन्नात,
इंसानों में तो हम मौजूद थे और मेन गेट पे हम उधर चले गए थे और जिस गेट से हम मतलब अगर आ रहे थे तो उधर वो उस साइड का बंद था, बीच वाला गेट था जिससे माना जाना करे तो मैंने तो किसी को आते जाते हुए नहीं देखा। सर हम तो अंदर ही थे ना, हम यहाँ बाड़े में थे या इधर थे? मेन गेट पे थे, ये दो जगह थी हमारी और एंट्री एग्जिट एक ही था, और अगर हम अंदर होते तब भी एंट्री एग्जिट वहां से होता, बाहर होते तब भी वहां से होता, तो हम में से किसने कुछ क्या मीठा खाया? कुछ भी नहीं खाया। हम लोग खाएंगे तो हम के नीचे गिराएंगे? नहीं, और नहीं हम क्यों खाएंगे, हम तो आपके सामने लास्ट एक स्टॉप पे हम खाना करते हैं, लंगर करते हैं, कड़वा खाने वाले हैं। हाँ वही मैं खाता हूँ, लेकिन आपको पता मैं सफर में खाता ही नहीं, और लेकिन मैं आपके साथ ही था मुस्तफिल तन्ना बिना मेरे था। में ये था कि एक दो दिन पहले कोई आया यहाँ, तो मैं उनसे पूछ रहा था कि यार जब एक अरसे से बंद है जगह, ताजा कौन आया, ये तो मुझे पता नहीं था कि दिन में भी नहीं था ये यहाँ पर, चीज ही रात को आई है सॉरी हमारे आने से कुछ देर पहले। देर पहले यानी कि इसका मकसद ये था कि हम जब उधर गए थे तो इधर मखलूकात थी मौजूद। ये देखिएगा ये रात है, ये रात देखा आपने और वो दिन मैंने आपको दिखाया, ये देखिए यही जगह है वो। ये बात होगी मगरिब होने वाली थी जब हम पहुंचे थे, 6 बजे का टाइम है जी ये सही। और उस भाई से बात करके आ गए थे वो ईशा के बाद 9:30 के दरमियान, और उसके बाद जी हम रात में 9-10 बजे का टाइम हो 10 बजे जी, ये 3-4 घंटों में ये चीजें और कोई नींद किसी का कोई नहीं था कोई। अच्छा मैं आप एक चीज नोट करवाना चाहूंगा आपको, ये हम देख रहे हैं सीढ़ियों के नीचे जले हुए निशान ना, यहाँ भी इधर जला हुआ है कुछ और इधर भी जला हुआ है, आप इस चीज को देख रहे थे पहले जी? मैंने आपको ये दिखाया था जी जी, यहाँ तो चलो फिर थोड़ा नीचे था, हो सकता है किसी ने आग जलाई हो यहाँ पर, उसका भी ऊपर लग गया, हालांकि नीचे कुछ भी नहीं है जलने का निशान, जमीन इधर तो नहीं, इधर तो है ही नहीं, जमीन तो जलती सजा मतलब जो आग की तपिश जाती है तो नीचे से भी तो सया होती, कुछ झूला रखे हैं कुछ भी लकड़ी रखे हैं। अब ना हम इसको देख रहे हैं, महसूस कीजिएगा भाई के मैसेज को, अच्छा हम देख रहे थे सीढ़ियों के नीचे, सुहेल भाई कामराम भाई हमें कवर कर रहे थे, ये कुछ देख रहे थे। अच्छा एक ही किसी पे नजर पड़ी है या कुछ सुना है इन्होंने, जिसके बाद इन्होंने फौरन एक जुमला कहा है, मुझे इजाजत है सडनली सॉरी आप नोट कीजिएगा जी। बहुत शुक्रिया भाई, बड़ी मेहरबानी। टटहरी भी आ गई थी उसी टाइम पर, और ये जी जिस पर गुजरती है ना वो बेहतर जाता है, वहां मैंने प्रोग्राम में भी बोला है कि उन्होंने कुछ देख लिया है, और आप प्रोग्राम में देखेंगे कि जैसे ही बाहर जाते हैं ना टटहरी की आवाज आती है और सारे कुत्ते हमारे दाग जाते हैं, भौंकना शुरू हो जाते हैं उसी वक्त, जिस पर मैं श्योर हो जाता हूँ कि वाकई इन्होंने कुछ देखा था जो हमने नहीं देखा। रस्ते से आना जाना है, सब इनके सामने हुआ, गवालों के साथ, चौकीदारों के साथ, जानवरों के साथ, मालिकान के साथ। मुझे लगा कि जैसे कामरान को हाथ वाथ लगा रहा लग गई पीछे कमरे, उसी कमरे में जहाँ डाउट था वो बाद में लेकिन बदल गया, उसमें से कुछ उनके पास चीज उनको मैसेज हो सकता है, हाथ लगा बिल्कुल हो सकता है। और मैंने कहा भी था कि आप क्यों जा रहे हैं, मौजूद हैं तो
अच्छा यहाँ शिराज भाई को ऐसा लग रहा है कि कोई चेहरा बना है, सांप का भी कोई इंसान का भी ना जी। तो मैं इतना श्योर नहीं हूँ, वैसे ये इसको सांप कह रहे हैं। यहाँ से तो इतना क्लियर नजर नहीं आ रहा, शायद आप देख सकें, कह रहे हैं कोई एक चेहरा इंसान का और ये कोई मुंह बन रहा है सांप का। एडिटर्स आई है, एडिटर आई है, एडिटर कट है, तो मैं समझ गया, लेकिन मैंने आप पे छोड़ा कि आप लोग डिसाइड। मुझे लगा कि जैसे इस पे कुछ शक्ल बनी हुई थी तो उस पे फिर ये आग बनी है, अगर इसमें आप देखें हो सकता है जलाई निशान मिटे हैं इससे ना, वरना और जगह भी तो वॉल पूरी मौजूद है, उसमें तो कुछ नहीं आ रहा। अल्लाह ओए ओए ये जिसको अचानक जिस चीज से आपको कोई खौफ आए, डर आए, जिस चीज का जैसे एक शेर है, बब्बर शेर, उसका इन दिनों में रोग है, ठीक है, आप ऐसे कहीं जा रहे हो और आप देखें कि अचानक वो आपके सामने आ जाए, अचानक, तो महसूस कीजिएगा इस बात को, खासकर जैसे अक्सर हमने ख्वातीन को देखा है वो कॉकरोचेज और छिपकली को देख के एकदम छिपे मार देती, चीजें गिर जाती हैं हाथ से, बंदे जो हैं ऐसी मखलूकात शेर सांप बिच्छू को देखकर। मैं सर राइट पे देख रहा हूँ अपने, मुझे आवाज आ रही है मेरे सीधे साइड से ना, राइट साइड से बाड़े की छत के नीचे, फिर वो आवाज मुझे आती है इस तरफ से जहां पर कमरे बने हुए दरवाजा, मैं उस तरफ बढ़ रहा हूँ, गेट खुलने की आवाज आई, गेट जो क्रॉस हो रहे थे ना, पहली बार जब अल्लाह ने बचाया हमें कि आप सुहेल भाई उधर थे, मैं उनका मान कर इधर, आप लोग पहले घूमे, लाइट्स आपके पास थी, मैं सारा फोकस मेरा दरवाजे पे था और मैं बस सीधा जा रहा था कि गेट की आवाज आई किधर है, मैं जा ही रहा हूँ, अगर आप लोग शोर ना करते, आवाज ना देते, मैं इसके ऊपर होता, बिल्कुल मैं इसके ऊपर होता, बाद में मुकदरे होते हम सारे। तो ये साहब यहाँ फन फिलाए बैठे हैं इस ठंड के मौसम में, कहाँ से आए और आए हैं तो बैठे हुए क्यों हैं, यहाँ से जा क्यों नहीं रहे, अगर आए हैं तो बैठे भी क्यों हैं, इधर उधर चले जाए, हमें देखें तो सही, हमें तो देखें। अरे नीचे नीचे नीचे, भाई, भाई, ओ माय गॉड। तो ये देखा है जी आपने प्रोग्राम में कि ऐसे नॉर्मली सांप करते नहीं, और यहाँ वाकई ही आप नोट करें कि कई जगहों पर ना हमें महसूस हुआ कि यार ये ऐसा होता है जैसे कि मतलब सांप जब कुंडली मारता है जी, तो वो मतलब मुतमईन होता है, उसके अपना इलाका है, अपनी जगह पे ना, तो ना कोने में जाकर छुप जाता है, जैसे देखते हैं नेचुरल ज्योग्राफी के दौरान कोने में एक जगह फेरा हुआ अपनी अंधेरे में बैठा होता है, जैसे वो फिक्र ही नहीं है, ये पूरा इलाका उसका जैसे उसका अपनी भाषा और चीजें हो, और ये वैसी जाहिर हुआ जैसे अक्सर आपके पीछे काले रंग की बिल्ली जाहिर हो जाती है, बैठी होती आपको देख रही होती। मैं कहता तो हूँ कि जानवर नॉर्मली वैसे नहीं हरकत करते जो नॉर्मल हमें मिलती हैं ऐसे रिकॉर्डिंग में, नॉर्मल जानवर ऐसा नहीं करते। थाईलैंड की वीडियो देखी है, घरों में घुस के हमला करते हैं सांप, मतलब कोबरे टाइप की चीज होती है, और हमने चार बंदे खड़े हुए हमारे मेल की सिग्नेचर डिटेक्ट करते हैं इंफ्रारेड से ना, हमारी खुशबू को फोन, और ये किसको अटैक कर सकता है, ये बैक से जाके हमें कुछ वहां नजर नहीं आ रहा था लेफ्ट साइड पे, और ये वहीं देख रहा था जी, और लाइट्स हमारे हाथ में है, हम चारों इसके करीब से हैं, सामने खड़े हैं, मतलब ये किनको देख रहा था जिन्हें हम नहीं देख पा रहे थे, ये सांप देख रहा है, ये कहां देख रहा है, हमारी लाइटें यहां से देख रहा है, पीछे पीछे उस खड्डों की तरफ देख रहा है, ये कहां देख रहा है, हमारी लाइटें यहां पे देख का रहा है, और उधर देख रहा है ये सांप भी वही कर रहा है, हम इधर खड़े हैं, लाइटें हमारी यहाँ पर है और वो उधर देख रहा है जहाँ कुछ है ही नहीं,
ये नोट कर लें, इसका मुंह देखने उस तरफ है और हमने देखा कि वहां हमें तो कुछ नजर नहीं आया। अब हम उस सांप को फोकस कर रहे हैं, वो रिंगता हुआ उस तरफ जा रहा है जहाँ कुछ भी नहीं है, जहाँ उसका जाना बनता ही नहीं था किसी भी तरह से। बिल हो, उसकी कोई जगह हो या वो जिन हो तो एक अलग बात है, नॉर्मली सांप ऐसा नहीं करता। हम उसी को देख रहे हैं वहां पर, और क्या होता है, ऐसे अभी मुझे कुछ देर पहले कह रहे थे कि यार वो बिल्ला ऐसे आया जैसे कोई हमारा शो का फैन हो। लिटरली कब आया, कहां से आया, हमारी बड़ी नजरें होती हैं जानवरों पे, खासकर मेरी तो ना, मैं बहुत नोट करता हूँ जानवरों को इस जगह पर, क्योंकि मुझे मेरा बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीफ भी है, ईमान भी है और मैंने रिकॉर्डिंग्स भी है कि आते हैं जिन्नात जानवरों की शक्ल, मैं बहुत ज्यादा एहतियात करता हूँ और अल्लाह ने करम किया, निशानियां भी दे दी, प्रूफ भी दे दिए कई। अब मुझे नहीं नजर आया है सांप आते हुए और बिल्ला नजर आते हुए इस तरफ, ये बैठा हुआ ना हमें देख रहा है। और जब हमारा ध्यान इस पर गया ना, यार ये यहाँ पर पता क्या रखा हुआ था, ये चलना शुरू हो गया, ये वो एक बर्तन कह रहे लकड़ी का जिस पर चारा डाल के जानवरों को खिलाया जाता है ना, टेबल नहीं बनाई जाती जिस पर जानवरों को खाना दिया जाता है, ये बिल्ला जो है इस टेबल के अंदर आता है, हम सबके सामने हम रिकॉर्डिंग प्रोग्राम में देखा है आपने कि उसके अंदर आता है। हम जाते हैं, एक लम्हे के लिए हमारा ध्यान बस हटता है कि यार आसपास कोई सांप ना हो, देख लेना, क्योंकि वो जो रबड़ के पाइप बंधे हुए थे ना, खूंटियां जिससे जानवरों को बांधते हैं, उससे भी डर रहे थे कि सांप ना हो। और कामरान भाई बार बार कह रहे थे कि काला है तो उसका जोड़ा भी होगा, इनकी बात थी कि भाई काला सांप है तो दो होंगे, कोई कहा जाता है कि इस तरह के जिन्नात या मखलूकात जो है ना वो दो में आती है, एक में नहीं आती है। तो हम डर रहे थे कि इतने कंफर्मेशन से कह रहे हैं और स्ट्रॉन्गली आएंगे ना, अब हम डर रहे थे। हमारा एक लम्हे के लिए वहां से ध्यान हटा और हमने देखा यहाँ पर तो ये बिल्ला इस लकड़ी के जो बर्तन कह लें या टेबल कह लें, नहीं था वहां पर, नहीं था ये नहीं था। पीछे मुड़ के देखा है तो सांप वो भी नहीं, वो भी गायब, ये भी गायब, ये ऑन रिकॉर्ड हुआ है आप प्रोग्राम में, बार बार देखिएगा। अगर मैंने आंखों से देखा वो पहुंचे यहाँ पे, वो चीज मौजूद नहीं के आने के बाद, तो हम तो अब नीचे ही देख रहे हैं, नीचे ही देख रहा हूँ यार। तो मैं आप ये सुन रहे हैं माहौल, एक दो तीन पहले कहाँ थे ये सांप, इधर देख रहा था हम वहाँ थे, किसी कुत्ते की आवाज़ नहीं आ रही थी, किधर गए, हम तो यहीं खड़े हैं ना, मतलब वो हम पे नहीं भौंक रहे थे, इस तरफ देख रहा था सांप। अब हम देखने आए कि शायद कुछ हमें मिल जाए जिसको वो देख रहा हो, दूसरा सांप हो, कोई बिल हो, वो खुद हो, एक होता ना कोशिश, उस कोशिश में मैं इस तरफ आया हूँ, मेरे सराउंड में जानवर भौंकना शुरू हो गए दूसरी बार और एकदम ही चुप हो गए, जैसे वो पता नहीं हम पर नहीं भौंक रहे, अगर हम पर भौंक रहे होते तो अभी भी भौंक रहे होते, हम तो कोने पे खड़े हैं। पीछे जगह जी खाली प्लॉट था, कोई कचरा कुंडी टाइप थी, आबादी कोई मकान मकान नहीं था, सामने थे उधर थे और सारे गैर आबाद थे यार, मुझे तो ऐसा लग रहा है क्योंकि वो जैसे होता ना बना के छोड़ जाना, मुझे कुछ ऐसा महसूस हुआ। अब नोट कीजिएगा, मैं तो उसी से फैन हो गया ना इसका, क्योंकि जब वो दरवाजे खुल रहे थे उससे चंद सेकंड पहले आई मैं तो। कई लोग जी हमारे बारे में कहते हैं कि यार आपके साथ एक मदद होती है, सही, वो दुआएं की दुआओं की शक्ल हो, जानवरों की शक्ल हो, एक आला होता है आपके हृदय हिफाजत का, फरिश्तों का, ये लोगों का कहना है। अब ये टटहर एक परिंदा है, परिंदा कुमारी से जो ये सिलसिला शुरू हुआ है ना, जी कुमारी से जो सिलसिला शुरू हुआ है, उसका जो शोर करना एकदम उठा है, मैं खुद नोट कर रहा हूँ
हर लोकेशन पे, ऑलमोस्ट हर लोकेशन पर ही, लोकेशन पर ही, खासकर लोकेशन के भी डेंजरस पॉइंट पर ही हाँ। ये आती है और इनका ये यकीन है कि जब भी आती है ना तो कुछ होने वाला है। ये हमें अलार्म देते हैं सारा, मुझे कह रहे थे यार सजाद हम रस्ते में खाना भी खाते हैं, चाय भी पीते हैं, सफर भी कर रहे होते हैं, बाहर कभी नहीं आती। जहाँ हम रात को हॉन्टेड लोकेशन पर पहुंचते हैं और हॉन्टेड लोकेशन पर के भी हॉन्टेड तरीन पॉइंट एरिया पर पहुंचते हैं, ये आके हमें आवाज देना शुरू कर देती है। फिर हमला होने वाला है ऐसा नाम बोलो बिल्कुल सर के ऊपर और उसके फौरन बाद कुछ ना कुछ हो। और आती भी एक ही है और क्या इलाके में एक से ज्यादा नहीं होंगी क्या आप देख रहे हैं? मतलब ये तो आपने कहा है, आप लोगों ने नोट किया है, हैदराबाद से कराची पाकिस्तान दुनिया से नोट किया लोगों ने। ये कोई कह रहा है कि आप कोई पार्टी मेंबर हैं दुआओं करने के अलावा जो है मैं कदर करता हूँ ना मेरी गाड़ी की तो है। अब जी हम अब क्या हो रहा है उस सांप उस बिल्ले को रिकॉर्ड करके कुत्तों की आवाजों को सुनकर हम दोबारा जाने की कोशिश कर रहे हैं अंदर कमरों की तरफ। मैंने अभी गेट को खोला जिस गेट की आवाज सुनकर ही मैं पहले जा रहा था इस तरफ जब सांप आया था सामने। आप नोट किया कि पहले गेट की आवाज आई थी मैं इस तरफ बढ़ रहा था तो बीच में सांप था जैसे कोई रुकावट हो कोई नहीं चाह रहा हूं मैं अंदर जाऊं। इतना ही काफी होता अगर हम 6-8 साल पहले प्रोग्राम कर रहे होते हमारे लिए इतना ही काफी होता हम पैकअप करके जा चुके होते। अब क्योंकि थोड़ा सा हम अपनी बढ़ाई हमने लिमिट थोड़ी सी कोशिश ज्यादा कर लेते हैं तो उसके बाद जब मैं जा रहा हूं अंदर दरवाजे को मैंने खोला ही है और डिटेक्ट की आवाज ऊपर से एक वार्निंग थी आपने उस वहां पे भी क्या कुछ होने वाला बोला मैंने कहा ऐसा ना बोले ऐसा बोले इंसान अच्छा सोचे। अब जी ऐसा ये बात दोबारा सुन आपको याद है यहाँ पर भी टटेरी बोली थी ये साये जी अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। जी क्या बोला चाहते हैं आपको याद है यहाँ पर भी टटेरी बोली थी यहाँ अब टटेरी ने शोर किया उसी वक्त आप लोग उधर ही देख रहे थे मैं ऐसे ही मुड़ा हूं तो मुझे ना पहले खिड़की लगी खिड़की से मतलब पीछे या कुछ आगे ये तो अभी थ्रेशोल्ड में देख रहे हैं ना बहुत वाजे करके आपको दिखाया जा रहा है उस वक्त इतना क्लियर नहीं था सेकंड टू में होते जी और मैं वहां भी ये कह रहा हूँ कि यार वो चीज जो है ना वो छोटी हो रही थी वो जो बड़ा साया था ना वो चीज मैंने ये देखा था कि वो कम हो रही प्रोग्राम में आपने देखा है। अब इसको हमने देखा है इसके बाद जब हम अंदर पहुंचे हैं तो वो साया नहीं था वहां पर उसकी जगह पर सांप था और अगर आप इसको भी नोट करें तो अगर आप मूवमेंट देखें पहले अगर ये चीज ऐसे हो या ऐसे हो तो वैसा लग रहा है सुकड़ रही है हाँ, वो डाउन और सुकड़ रही है और अगर आप इसकी ये दोनों चीजें यूं कर दें तो ऐसा लगा कि जैसे कोई सांप ही बन रहा है कुछ जैसे सुहेल भाई कह रहे थे कि भाई इसके हाथ बहुत छोटे थे और सर जो था ना वो बहुत गर्दन जैसे थी नहीं इसकी बहुत नीचे था सर इसका हमारा तो चलो 1 फुट कह रहे ना आप आधा भी नहीं था
और मुझे ऐसा लग रहा है कि ये था लेकिन आहिस्ता आहिस्ता वो कम हो रहा था। हमने जब देखा तो शायद वो आधी शेप खत्म कर चुका था, ये शेप रैंडी जी, जी 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 शायद पता ना कितना कमरे में कितना बड़ा हो, फिर वो उससे उतरता हुआ नीचे आया, इसी कमरे में सब कुछ हो रहा था ज्यादातर सोते भी यहीं थे, गला भी यहीं दबाया जा रहा था, खींची भी चारपाई यहीं जाती थी, सब कुछ इधर ही हो रहा था। और जी अब नोट कीजिएगा, जिन हो मंदिर आए, मैं इसको इस हुक्के की इस शीशे के ना पाइप समझ रहा था पहले। मैं भी सकून से आया, सोच भी नहीं सकता था कि भाई ये साहब यहाँ बैठे हुए होंगे, कहाँ जहाँ हम एक साया देख रहे हैं जो नीचे को जा रहा है, और वहाँ कुछ कपड़े रखे हुए थे। अब मुझे ऐसा लगा यार कपड़े तो नहीं टंगे हुए जो गिर गए नीचे, लेकिन वो कपड़े वहीं थे जहाँ शुरू से ही थे, नीचे नीले रंग की कोई कमीशन वार था किसी का, उसको भी हमने हिलाया जुलाया देखा, लेकिन महसूस ऐसा होता जैसे कुछ साया था बड़ा जो आहिस्ता आहिस्ता इसमें आ गया। और जब मैंने इससे पूछा तो उसने एक वैसा रिस्पॉन्स दिया जो उससे पहले नहीं दिया था। जिन हो आपने एसएसडी में देखा है, इसकी आवाजों को सुना है, इसकी फुनकार को सुना है, वो ऐसी आवाजें होती थी जो मैं अक्सर कहता नहीं था कि ऐसी आवाज आ रही जैसे कोई फुनकार रहा हो करके आवाज थी, और आपको अल्लाह करम देखें कि ऐसी लाइव ऑडियो आपको इस हद तक इस कदर गुस्सा इस कदर शदीद वो आवाज थी कि उसको सुनना बर्दाश्त करना आसान नहीं था। दो बार बाहर चले गए थे, हम भी हिल गए थे दो बार, वो सुनकर पांव नहीं खड़े हो रहे थे, जो तैश था ना उसका बस नहीं चला था, तीन चार में से दो तीन को तो उस वक्त कुछ ना कुछ करे। और जो सोहेल भाई कह रहे थे कि हमने जब खड़ा होना शुरू हुआ मतलब कितना लंबा हो गया, सोहेल भाई हमला करने वाला है, मैं तो वही मैं तो भागू यहाँ से भाई। अब जैसे उन भाई ने कुछ ऐसा महसूस करके देखकर बहुत पहले ही चले गए ना वहाँ, यहाँ महसूस ये हुआ कि इससे आगे जो है ना वो फिर मुनासिब नहीं है, इससे आगे फिर वो कहते हैं ना कि आप फिर खुद जिम्मेदार होते हैं अपनी किसी ऐसी हरकत के। हम जानने की कोशिश करने गए थे कि आखिर यहाँ ऐसा क्या हो वजह है जो जानवर ऐसे हलाक हो रहे हैं, खौफ से हार्ट अटैक आ रहे हैं जानवर, यहाँ पे जो रात सोता है, अभी तो हम सोए नहीं थे यहाँ पर, हम यही सोच रहे थे कि हम इससे दो-दो सेपरेट हो जाएंगे, इधर के इधर के, मौका ही नहीं मिला। टटेरी अलार्म कर रही थी दो तीन बार, जानवरों ने कुत्तों ने कई बार भौंककर हमें बताया कि कुछ है जिसको हम नहीं देख रहे, वो बंदा किसी चीज को देख कर बेचारा कांपना शुरू हो गया था जिसे हमने नहीं देखा था, और शुक्र है नहीं देखा था यार, शुक्र है नहीं देखा था अल्लाह का, जानवरों में ही देख रहे ठीक है वैसे नहीं बर्दाश्त। जानवर मतलब आप खुद तो देखोगे खौफनाक तरीन ब्लैक कोबरा आपके सामने मौजूद है, हालांकि मैं सांप के बारे में इतनी इन्फॉर्मेशन नहीं रखता, किसी फल की वजह से मैं आपसे बार बार पूछ रहा था सज्जाद ये ब्लैक कोबरा तो नहीं है, अगर आप उसको बोल देते कि है वाकई ब्लैक कोबरा तो क्या होती है। सही 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 उसको तो लाइली मैं तो लाइली नहीं था कि यार क्या उनसे सांप लेके आए, कुछ कुछ मेरे दिमाग में था शायद ये जंगल की वजह से इनसे आ गया है, लेकिन जब ये बात सोहेल ने बोली कि तो सर्दियों में तो ये तो होते ही नहीं है ना, तो सरकार चुपकी नहीं रखती, चुप जो कहते ना कि चुप के आप कहते चुप होकर निकलते हैं, जबान ही बंद हो जाती है, मतलब अल्फाज ही गुम हो जाते हैं। तो बस जी हमें बड़ी खुशी महसूस होती है जब आप इस कोशिश को महसूस कर लेते हैं, कि जब आप फील कर लेते हैं ना कि यार खौफ आया घर में देख कर ये हाल हो गया तो वहाँ क्या होगा, उसको क्या होगा, क्या था कि वहाँ का माहौल जो है ना वो अगर हम एक से जायद ना हो, दो से तीन से चार ना हो ना, तो नहीं बर्दाश्त हो सकेगा। और अगर ये बस याद रहे हमें कि कहाँ रुकना है, अपने लिमिट्स को क्रॉस नहीं होने देना, अदब का साथ जो है ना वो नहीं छोड़ना कहीं पर, चाहे कोई मखलूक क्यों ना हो कैसी क्यों ना हो। अब यहाँ क्या हुआ है पिछले दो तीन महीनों में, सुहेल भाई के बकौल उनको तो एक वाजे जो निशानदेही महसूस हुई वो किसी ने कुछ किया है, किसी इंसान ने ही कुछ किया है,
चाहे वो जादू की कोशिश हो कोई अमल की कोशिश हो। और कहते हैं हम कैसे यहाँ जमीन खोद के तावीज़ों को निकालें, कैसे करें, वो जो भाई बता रहे थे, तो ये चीज़ ही कन्फर्म हुई कि कुछ ऐसा हमने रिकॉर्ड किया जो जिसको हम नॉर्मल नहीं कह सकते। और यही मैं कहता हूँ कि निशानियाँ मिल जाती हैं आपको, बस नोट करना होता है, एहतियात करनी होती है, नोट करना होता है। और सबसे बड़ी बात, नीयत का बड़ा दारोमदार होता है उस पर। आप कभी ये ना सोचें कि मैं कैद करने जा रहा हूँ, मैं पकड़ने जा रहा हूँ, मैं तो बस जानने की कोशिश में जाता हूँ। और ये सब आपके सामने है, मैं क्या बताता, बल्कि आप लोगों ने ज्यादा बताया। मुझे मैसेज जैसे आए, उसमें से एक मैसेज मुझे बड़ा अच्छा लगा, जिसने साहब तेरे साहब ने लिखा कि लोग इस सर्दी में अपने गर्म बिस्तर नहीं छोड़ते, और आप लोग अपनी जान लेके ऐसे जगहों पर इतनी सर्दी में जाते हो, तो उनकी तरफ से अप्रिसिएशन थी। तो ये थोड़े थोड़े मैसेज होते हैं जो दिल कुछ खुश हो जाता है कि चलो ये कुछ महसूस दर्द महसूस करते हैं। और जी सब करवाया जा रहा है, करने वाले काम है नहीं, हमें खुद नहीं पता कैसे हो रहा है, निकलते कहीं और के लिए, पहुँचते कहीं और हैं, हम तो पूछते भी नहीं है कहाँ है, वापसी है नहीं है, वहाँ खाने को पीने को कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। ऐसी जगहों पर तो रस्ते भी वो मैप भी काम नहीं करते, नेट भी नहीं चलते जी, ना बंदा ना बंदे की जात, तो हम पूछते भी नहीं है। ये मुझसे नहीं पूछते कहाँ लेके जा रहे हो, रास्ता कितनी देर में पहुँचेंगे, कब आएंगे, बस जाने का पता होता है, वापसी का कुछ नहीं। सिर्फ ये कि एक इंतज़ाम बंदोबस्त है जो करवाया जा रहा है और हो रहा है सब खुद बहुत, बेशक सब आपके सामने है जी। फिलहाल दीजिए इजाज़त, जिंदगी के इंशाल्लाह होगी मुलाकात। अस्सलाम वालेकुम। ये साये है। जिन हो Mm-hmm.